सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं MS सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे राष्ट्रवाद जिसे हम नेशनलिज्म भी कहते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं वर्णन करें, इस टॉपिक को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक वैश्विक इतिहास में राष्ट्रवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका उदय 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। दरअसल राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम स्वामी भक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। संतुलित राष्ट्रवाद राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है, किंतु राष्ट्रवाद की अति विषम परिस्थितियां युद्ध को जन्म दे सकती है। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्रवाद की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतया उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से है। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना है। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे निर्वाचित विधानमंडलों तथा निर्वाचित सरकार के निर्माण के पक्षधर थे। वे मताधिकार को विस्तृत तो करना चाहते थे, लेकिन उसे सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं थे। उदारवाद का प्रसार सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप में हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वहीं हुई थी। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीयता 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलनों से अनुप्राणित था, जिसने असमानता और निरंकुश शक्ति की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रवादी संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण के पक्ष में तो था, किंतु यह वर्ग गरीबों एवं मजदूरों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था। यह वर्ग चाहता था कि सामाजिक सुधार हो, किंतु वे ऐसा इसलिए चाहते थे कि वे तानाशाही शासन से स्वयं को बचाने में सफल हों। वे संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण इसलिए चाहते थे ताकि उन्हें संपन्न होने में बाधा न हो। धीरे धीरे उदारवाद का स्वरूप बदलता गया। राष्ट्रवाद का आदर्श धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना अधूरा प्रतीत होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। होलियोक को पश्चिमी यूरोप के धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। उसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वह है जो जीवन के तत्काल कर्तव्य के रूप में संभावित उच्च बिंदु तक मानव के नैतिक और बौद्धिक स्वभाव के विकास की खोज करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रचार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना बलवती होने लगी। राष्ट्रीयता की भावना ने परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती देकर उदारवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रीयता के उदय से पूर्व उदारवाद का आरंभ 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया था। उदारवाद का व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ थॉमस हॉब्स से माना जा सकता है, पर इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन लॉक की रचनाओं में मिलती है। मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन आदि ने उदारवाद के विकास में योगदान दिया। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल आदि ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। 18वीं शताब्दी के उदारवाद ने मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का हस्तक्षेप ना हो का समर्थन किया। इस प्रकार उदारवाद नकारात्मक उदारवाद कहलाया, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद ने सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। इस प्रकार का उदारवाद सकारात्मक उदारवाद कहलाया। राष्ट्रवाद का उदय एक सिद्धांत के रूप में यूरोपीय ज्ञानोदय, इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ज्ञानोदय ने यह मत प्रतिपादित किया कि कोई भी ऐसे नैतिक उद्देश्य नहीं होते जिन्हें हम पूर्ण रूप से सही मान सकते हैं, और इसी कारण
किसी राज्य के नागरिकों पर कोई एक जीवन शैली आरोपित करना गलत है। इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। यह संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर में जन्मी जिसका यह दावा था कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। इंग्लैंड में राजा की शक्ति के विरुद्ध संपन्न वर्ग की चेतना राष्ट्रीयता के रूप में मुखरित हुई, क्योंकि राजा ने संसद की सहमति के बिना प्रजा पर कर आरोपित करने चाहे थे। फ्रांस में भी राष्ट्रीयता राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि वहाँ राजा के राजनीतिक प्रसंगों पर चर्चा और तथा बहस रोकने की चेष्टा की गई। निष्कर्ष में देखेंगे, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति संतुलित रूप से वैसा समर्पण होता है जिसमें राष्ट्र का विकास हो। इसके लिए उदारवाद, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में इसका स्वरूप सीमित रहा, लेकिन आगे चलकर इसे व्यापक परिवर्तन आया। दरअसल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उदारवाद एवं प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।